जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कारकनान जो है हमारी बुकला बरादरी जो है इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद है और नमाज का वक्त है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नमाज बाद जमात अदा की जा रही है यहाँ पे। ये ज़मान पार्क है जनाब, इसके बारे में ये इमरान खान साहब की रहाइश का है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ क़यास फ़राहियाँ हो रही हैं कि ये ज़मान पार्क में दहशत गर्द हैं, ये ज़मान पार्क में तालिबान हैं यहाँ पे। तो ये तालिबान आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो काले कोट पे यहाँ पर मौजूद हैं, जो अल्लाह के हजूर सर सजूद हो रहे हैं और अपने कप्तान के लिए जो है दुआ मांग रहे हैं। ये मनाजरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर बैठी हुई है, वकला बरादरी यहाँ पर मौजूद है और ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। जिस घर की चौकट में जो है 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है बाकायदा बाद जमात, उस घर की चौकट से क्या होगा, क्या निकलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? हम तो यही कहेंगे, हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, ना हम किसी और सियासतदान के साथ हैं, हम साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ हैं। अगर आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने घर में दहशतगर्द रखे हुए, अगर निकलता है एक दहशतगर्द भी निकलता है तो मुझे लगता है लगेगा कि इमरान खान साहब ने वाकई जो है कौम के साथ गद्दारी की है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये ऐसे दहशतगर्द आपको नजर आएंगे यहाँ पे जो यहाँ पे जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो किबला है कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। हमें सिर्फ पाकिस्तान में अमन और सुकून चाहिए, वो अमन और सुकून अगर आपको ज़मान पार्क में का ऑपरेशन करके मिलता है तो हमें वो आप करें, वो अमन और सुकून अगर आपको जाती उमरा का ऑपरेशन करके मिलता है तो वो करें, और वो अमन और सुकून अगर आपको बिलावल हाउस का ऑपरेशन करके मिलता है तो वो सुकून मिले। इन तमाम सियासतदानों ने जिससे भी मुल्क को लूटा है आप उसके ऊपर क्या उसका जो है क्या उसका तंग कर दें, उसका घेरा और उसको जो है मंजर आम पर लेके आए। ये तमाम मनाजर थे, मेरा कैमरा मैन एक बार दोबारा आपको दिखा दे कि ज़मान पार्क में सदबा जमात नमाज अदा की जा रही है, सहाफ़ी बरादरी पीछे बैठी हुई है और ये पीछे का महल है, यहाँ का नासर है और नाज़रीन इमरान खान साहब ने यहाँ पे जनाब इंतज़ाम किया है साफी भाइयों के लिए, बरादरी के लिए जनाब, इनके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खाने का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे ये लोग भी ईमानदारी से अपनी सहाफत कर रहे हैं। यहाँ पे किसी से नहीं पूछा जा रहा कि आप जियो से हैं, आप समा से हैं, आप ARY से हैं, आप सोनो से हैं या आप किस से हैं। दरवाज़े इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे दरवाज़े जो है सबके लिए खुले हुए हैं, हर शख्स को आप यहाँ पे बुलाएं और हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो ज़मान पाक में अंदर आके ज़मान पाक के बाहर की हदूद में एक एक एरिया को कवर करे, क्योंकि जो उनका मकसद है इमरान खान साहब ने कह दिया वो इनका मकसद मैं पूरा होने नहीं दूंगा। हाँ अगर ये लोग मेरी गिरफ्तारी भी चाहते हैं तो वारंट लेके आए, मेरे खिलाफ कोई वारंट है तो मैं बखूबी बखुशी जो है अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। ये तो तमाम मनाज़र जो हमने आपको दिखा दिए हैं, इसके इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपको साथ साथ देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।